से मिलके। अच्छा जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं डाइनो वैली इस्लामाबाद पीर सहाबा रोड, तो आज इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैंने इसके ऊपर कुछ भी सर्च नहीं किया, कोई कंटेंट सर्च नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू दूँ और मैं खुद देखना चाहती हूँ कि क्या है यहाँ पर। डाइनो वैली के लिए आप इस्लामाबाद से मोनाल और फिर मोनाल से 4 किलोमीटर आगे आएँ तो आप डाइनो वैली पहुंच जाते हैं। रास्ते में आपको केपीके में एंट्री का बोर्ड नजर आता है। 3 साल के बच्चों की टिकट फ्री है। अंदर बच्चों की काफी एक्टिविटीज फ्री हैं, लेकिन कुछ की टिकट्स हैं, जैसे कि किंग कॉन्ग राइड, कैरोसेल राइड एटसेट्रा। इसके अलावा मोनाल की तर्ज पर बना हुआ रेस्टोरेंट है, खाने का मियार काफी अच्छा है। आए आपको कम्प्लीट इनसाइड विजिट करवाते हैं। राशिद वो देखिए, होने वाली है, हम साथ हैं सनसेट से पहले, हम लोग भी देखें और आप भी हमारे साथ देखें। अगर आपको डायनासोर की स्पेशीज और फॉसिल्स देखने हैं तो यहाँ 500 की टिकट लेकर आप ऊपर जा सकते हैं। चाहिए यहाँ पे फॉसिल्स भी हैं और फॉसिल्स के साथ जो है उसका बायोडाटा है, फॉसिल ये है। इन स्पीशीज के साथ जो है सेंसर्स लगे हुए हैं, तो जब भी आप इन्हें क्रॉस करते हैं ये मूवमेंट शो करते हैं। डायनासोर को टच करने से कुछ नहीं होता, बिकॉज इट इज मेड ऑफ रबर। आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिल सकती है हर डायनासोर के टाइप के आगे, लाइक हर स्पीशीज के टाइप के आगे उसके बारे में लिखा हुआ है, उसके फॉसिल्स पड़े हुए हैं। मैंने एक मूवी देखी हुई है, लाइक मैं बचपन से देखती थी आइस एज, तो यहाँ मैंने एक वैसा ही एलिफेंट देखा और मुझे उसको देखकर अपना बचपन याद आ गया। चले आइए साथ में। डाइनो वैली के बारे में कुछ बताएं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं और ऊपर क्या नया ऊपर क्या काम हो रहा है। सर ये रेस्टोरेंट बन रहा है और ऊपर जो टॉप तक जाएगा, ये ऊपर ट्रैक बनेगा है टीवी रेसिंग बाइक का, यहाँ सामने को टॉप है। अच्छी बात पता क्या है, हम यहाँ पे ना हर पॉइंट पे देखते हैं पूरा रेस्टोरेंट। ब्लॉग बनाना इतना आसान काम नहीं है, इट्स रियली रियली टफ जॉब, बट हम ये ब्लॉगिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि आप भी अपनी फैमिली के साथ निकलें, आपको आइडिया हो, और इसके साथ साथ ये कि आप लोगों को जगह दिखाना कि आप लोग फैमिली के साथ आएँ तो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, बच्चे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपना दिन कैसे स्पेंड कर सकते हैं। हमारी नज़र में ये वन डे ट्रिप बेस्ट है, आप यहाँ पर ज़रूर आएँ बच्चों के, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं यहाँ पर आकर, तो हमारा रिव्यू बेस्ट है इसके बारे में कि बहुत अच्छी जगह आना चाहिए।